नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। आज हम लेकर आए हैं वैलेंटाइन डे पर विशेष, अपने प्यार के लिए 22 सालों तक पहाड़ तोड़ देने वाले दशरथ मांझी। वैलेंटाइन डे प्यार करने वाले लोगों का दिन है। इस विशेष दिवस पर जब पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का जिक्र आता है तो प्यार में संघर्ष, जुनून और पागलपन दिखता है। इसी प्यार के दम पर 22 सालों के अथक प्रयास के बाद दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटकर रास्ता बना डाला। कहा जाता है कि लोग अपने प्यार को खोकर क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन गया के वजीरगंज प्रखंड के गहलौर घाटी के दशरथ मांझी ने अपने प्यार के खोने के बाद आत्महत्या की नहीं की, शायरों की शायरी पढ़कर गम को भुलाया। मांझी ने अपने प्यार को खोकर 22 वर्ष में पहाड़ को काटकर सड़क बना डाला। लोग दशरथ मांझी के प्यार को मिसाल मानते हैं और उस रास्ते को प्रेम पत्र कहते हैं। यह गहलौर की घाटी में आज सड़क बिजली दिख रही है। गहलौत की घाटी में आज सड़क बिजली जो भी दिख रही है, 4 दशक पहले सिर्फ जंगल ही जंगल था। बताया जाता है कि दशरथ मांझी का बाल विवाह हुआ था। वह गांव के बड़े व्यक्ति के यहाँ हल चलाते थे और उसी के यहाँ से उनका परिवार चलता था। बड़े होने पर जब गौना हुआ, उनकी पत्नी घर आई, फगुनिया जब घर आ गई, हर रोज़ मांझी को खाना पहुंचाने खेत में लेकर जाती थी। एक रोज़ फगुनिया देवी का निधन हो गया। तब उनके बड़े बेटे भागीरथ मांझी 10 वर्ष के थे। पत्नी की मौत के बाद दशरथ मांझी काफ़ी दिनों तक काम पर नहीं गए। वह विचार में लगे रहे कि अगर सड़क रहती तो मेरी पत्नी उस पार मुझे आसानी से आकर खाना पहुंचा देती, कोई हादसा भी नहीं होता। उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ को तोड़ डाला और 22 वर्षों की कड़ी मेहनत से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना डाला। लोग उस क्रम में सड़क बनाने के क्रम में दशरथ मांझी को पागल कहते थे। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी 1972 में पैदल ही रेलवे ट्रैक के किनारे चलकर लगभग 2 महीने में दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बिहार के नेता रामसुंदर दास से मुलाकात की और पीएम से मिलने दिल्ली गए थे। दशरथ मांझी दिल्ली यह बताने के लिए गए थे कि आने जाने के लिए रास्ता तो बन गया, लेकिन अगर पक्की सड़क निर्माण हो जाती तो कई कस्बों और कई गांवों को लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब पहली बार बिहार के कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे तो मुख्यमंत्री ने अपने गद्दी पर बिठाया, उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी। बाद में सीएम के प्रयास से दशरथ मांझी के नाम पर उनका गांव समाधि स्थल, अस्पताल और सड़क बना दिए। दशरथ मांझी की सच्ची प्रेम कहानी पर 2015 में फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता ने मांझी द माउंटेन मैन के नाम से लव स्टोरी फिल्म बनाई। इस फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी माउंटेन मैन के रूप में काम किया। राजनेता से लेकर अभिनेता तक उनके गांव के लोग घाटी आते रहते हैं और सलामी देते हैं। आज वैलेंटाइन डे है, पर इस जुनूनी व्यक्ति को आज के दिन अगर हम नहीं याद करें, उनकी प्रेम गाथा को अगर हम नहीं याद करें, तो उनके साथ बेईमानी होगी। तो दोस्तों, दशरथ मांझी का प्यार का प्रतीक, जिन्होंने 22 वर्षों में एक बड़ी पहाड़ को रोड बना दिया। मुझे उम्मीद है आप सबको आज की दशरथ मांझी की प्रेम कहानी
ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज की प्रस्तुति आप सबको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आप सबको हमेशा मिल सके। मिलते हैं फिर कोई नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।